बिलावल साहब, राशन देने से गरीब का पेट भरता है, भाषण देने से नहीं। 18वीं तरमीम के बाद सूबों के इख्तियारात में इजाफा हुआ। सिंध हुकूमत इमदाद मांगने के बजाय अपने वसाइल बरूए कार लाए। उन्होंने अमली काम नहीं सिर्फ दावे किए। सिंध में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में कमी के लिए कुछ नहीं किया गया। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख साईं सरकार पर बरस पड़े, बोले फंड्स की तकसीम के लिए पीसीआईसी बननी चाहिए थी ताकि फंड जाली अकाउंट में ना जाएं। इरिगेशन डिपार्टमेंट तोहफे में दिया जाता है। कौन बड़ा खिदमतगार है, कौन बड़ा कमाऊकूत है, कौन बड़ा ठेकेदार है, डील अच्छी दे सकता है। आज लोग डूब रहे हैं, और तो छोड़िए, अभी मेरे साथ चलिएगा। मैंने अभी कहा, गूगल पे देखा कि हेलीकॉप्टर जहां उतरता था उसके नजदीक तरीन, चलो शायद हेलीकॉप्टर में चश्मा ना हो, हेलीकॉप्टर के शिकाले शीशे हो, हेलीकॉप्टर में कोई नजर ना आता हो, नजदीक तरीन मैंने कहा कोई है, कोई खेमा बस्ती जहाँ डूबे हुए लोग हो, ये कोने के ऊपर, यहाँ से 50 दफा गुजरे होंगे बिलावल साहब गुजरे, ये कोने के ऊपर एक भी कैंप नहीं मिला हुआ, उनको एक भी राशन नहीं मिला हुआ उनको, ये सब पैदल जाते हुए। अरे भाई, वैसे ही उस दिन पर प्रेसिडेंट गुजर रहे थे, खेमा देकर उतर गए, उन्हें तो कोई खौफ नहीं था कि वो पकड़ लेगा उस बेटे, पूछा ये किया वो किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब कुछ किया। मैं कहना चाहता हूँ, बेहिसी और बेशर्मी की कोई इंतहा होती है जो की यहाँ अफसरान के अंदर मुझे नजर नहीं आती। इतना भी बुरा हाल नहीं है, अरबों रुपए के ठेके दिए जाते, ये सामने ये हेलीकॉप्टर उतरता है, ये कैंप लगा हुआ है, आप भी सब गवाह मौजूद है, कुछ नहीं है, चलिए अभी मेरे साथ वहाँ। इसके लिए भी क्या वफाक देगा? दो लाख रुपए बेचारों के इनके 10 दिन गुजर जाते, इसके लिए वफाक पैसे देगा? मैं कहना चाहता हूँ, अब कहते हैं कि जी वफाक पैकेज दे, हम इंशाल्लाह दे रहे हैं, पैकेज हम जरूर दे, लेकिन माल नहीं खपे।